नफ्स को अपने मार पहले नफ्स को अपने मार और सीख ले करना पर उपकार नवरिया होगी भाव से पार संत को ना चाहिए बोलायो गोली बमा संत को ना चाहिए गोलायो गोली बम्मा मतवाले में और दोनों जोनों बैठ के पीता मंदिर और शिवालय में अनोखी आदत पीने की है छेदी लाल मतवाले में और दोनों जोनों बैठ के पीता मंदिर और शिवालय में फिर भवन धनी की मनमदिरा तू भर दे मेरे प्याले फिर भवन धनी की मनमदिरा जो भर दे मेरे प्याले में चतुरानंद ने जिसकी चर्चा किया है चार साले में पांचो पंडम आज न आई ऐसी मदरा ढाले में छक्के छूटे देरो धन के गिरे हटेता खाले वो छक्के छूटे देरो धन के गिरे हटेता खाले में सतगुरु जी ने दिया था मन को फसाया मन के के माले में आज पहर मस्ती मार रहता ज्ञान के उस उजियारे में नाम किनारों बैठ के पीतो और नाम किनारों बैठ के छानो फसो नगर बार नाम किनारों बैठ के छानो फसो नगर बर झाले में नाम किनारों बैठ के छानो फसो नगर बर झाले में कहलाते किस लिए कवैया आज फंसे हो काले वो दहलाते हो आज वो दहलाते हो क्यों कवैया आज फंसे हो काले में कहलाते किस लिए कवैया आज फंसे हो काले में कह राधिका मेरा मन तो फंसा मुरलिया कह राधिका मेरा मन तो फंसा मुरलिया वाले में कह राधिका मेरा मुरलिया वाले वो कह राधिका मेरा मन तो फंसा मुरलिया वाले में गुलाम कर मन पतंग जो पत्र कीजिए ताले में गुलाम कर मन पतंग पत्र कीजिए ताले में वो बादशाह के होश ठीक कर क्यों गिरता है नाले वो बादशाह के होश ठीक कर क्यों गिरता है नाले में बादशाह के होश ठीक कर क्यों गिरता है नाले में समय समय की समय तक दीन का पासा पलट दिया समय समय की बात समय तक दीन का पासा पलट दिया चारों युग में बड़े बड़े रणधीर का पासा पलट वो चारों युग में बड़े बड़े रणधीर का पासा पलट दिया चारों युग में बड़े बड़े रणधीर का पासा पलट दिया भस्मासुर जब हुआ भस्म शरीर का पासा पलट दिया त्रेता में बलराम गए रघुवीर का पासा हाजी वो त्रेता में बलराम गए कपासा पलट दिया चले गए छप्पन करोड़ जागीर कपासा पलट दिया चले गए छप्पन करोड़ जागीर कपासा पलट दिया इस कलयुग में साधो यम फकीर कपासा पलट दिया फकीर फकीर कपासा पलट गया सब पार समय खेल गए आसाराम समय वापस कर देखो खेला खेल गए नारायण साई ला देखो हो मेटी के फैल गए राम रहीम की खोली बोल तो सरे याम जेल गए राम रहीम की खोली बोल तो सरे याम जेल गए बड़े बड़े गाने वाले सब राम दियो से बेल वो बड़े बड़े गाने वाले सब राम दियो से बेल गए हुए तो भागी पप्पू या तो गा के रेला
गड़बड़ हो गया। भैया ने बताया बड़ी अच्छे सुंदर गीत गाया है, जैसा कि भैया ने बताया कि चारों युग में राजा दशरथ का जब वरदान मांगा राजा दशरथ से माता को कोई नहीं, कहा था कि भारत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। पहले तो मांगा भरत को राजगद्दी, दूसरा वरदान राम को वनवास मांगा, दो वरदान मांगे थे तुलसी राम भैया। जब राम को वनवास ही मांग लिया, भगवान राम वन चले गए, तो वहां पर कौन ऐसी बेमानी की बात चली है? वहां पर कोई बेमानी नहीं हुई, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने राजा दशरथ और माता कैकेयी का सम्मान किया और सम्मान करते लिए बन चले गए, वहां पर कोई बेमानी की बात नहीं हुई। सतयुग में जो दिखाया बेमानी हुई, राजा यानी नारद ने जब सूरत मांगी तो भगवान ने विष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया, ये तो चलिए बेमानी हो गई। द्वापर में बेमानी हुई जो दर्शाया, और कलयुग में भी कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये भी में बेमानी हो रही, लोग कह रहे हैं। लेकिन ध्यान दो, उधर मैंने कृष्ण जी की लीला पुतना बध गाया था, आज का कार्यक्रम जवाबी चल रहा है तो इसलिए को ध्यान दीजिएगा। हार्दिक नमस्कार है।
की तरफ से 101 रुपए का 101 दिनार अता फरमान हुए हैं। खुदा तौफीक दे, मैं भी लाख लाख के रानीवाजी के शुक्र गुजार हूं। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। और कहना है क्या, कल जब मैं श्री महात्मा गांधी किया देश आजा शुरू कर दिया चोहरा जी के कहने पर। लेकिन ध्यान दे, इधर हमारी तरफ से कोशिश है क्या, गौरा ने जब जब जिद किया है एक ना एक परेशानी ही हुई है गौरा जी को। और ध्यान दीजिएगा जिद पर। और उधर गौरा जी ने कहा खेती करो, इतना मेहनत करो। और उधर गौरा जी क्या कह रही हैं, एक रोज बसती ने दिल में अरे पैदा या जब ख्याल किया जोर कम की खोलो यार।
छोटी छोटा पल फुटा लपना जब से चाह के मुझको लाए जीवन हुआ मन लपना छोटी मलैये के अंदर अब सब तो हुआ सपन लपना अब न रहे बजार खंड बाबू अब गवाहे मन अपना कहीं हाल रहने का सोने का बने खाए से महान गायक कलाकार साथी गायक कलाकार श्री बलराम यादव जी अयोध्या नए घाट से चलकर आए हैं। आपकी तरफ से एक से रुपया आविष्कार प्रदान हुआ है। साथी से लाख लाख धन्यवाद है, लाख लाख धन्यवाद। उधर गौरा जी ऋषि आ गए, कहने लगे भगवान भोलेनाथ से खेती करने के लिए, और उधर गौरा जी ऋषि आ गए, कह रहे मेरे लिए एक महल बनवाओ नहीं तो मैं झारखंड में नहीं रहूंगा। कभी उन्हें गाया है, नहीं हमारे रहने का सोने का बने भवन अपना, और ज्ञान निराला छे दी लिख कर जाहिर किया कथन अपना, और जाहिर किया कथन अपना है झूठ मत पिता। और हमारे गुरु महिला अखाड़े से हमारे श्री बुद्धलाल यादव जी, गुरु महिला अखाड़े से ये क्यों बा का पुरस्कार प्रदान हुआ है, शायद हम बुद्धलाल भाई को भी पहचानते भी नहीं है, जो कि आपकी तरफ से प्रदान हो रहे क्यों पुरस्कार मुरलिया वाले सदैव आपकी रक्षा करे, और सरस्वती माँ आपके कंठ में विराजमान हो, आप अपने अखाड़े का और इस विरह की दुनिया में नाम कमाएं। हमारी तरफ से बुद्धलाल जी का हार्दिक नमस्कार है गुरु महिलाल के अखाड़े के, और कहना है भैया कुछ कारण बस मैंने गीत नहीं गाई, टाइम भी ज्यादा हो चला था। एक लाइन गीत है, कहना है अरे अब झुका ये ना झुकी, अरे अब झुका ये ना झुकी, छंडा समाजवादी झुका जो हमारे सपा नेता है हमारे मोहम्मद अली भाई जान, आपकी तरफ से जो कि 1001 रुपए दिनार अता फरमान हुए हैं खुदा तौफीक दे, हमारी तरफ से मोहम्मद अली भाई साहब का हार्दिक नमस्कार है। भगवान पुरनिया वाले और आप पर दया बरसाए, और आने वाला 2022 में आप चुनाव लड़े हमारे सपा प्रत्याशी जो कि सपा के रूप में, क्योंकि आप की झलक हमारे जनजन में समाई है, बहुत लोकप्रिय नेता है, आपका लाख लाख धन्यवाद है, लाख लाख धन्यवाद है। 1001 दिनार रुपया फरमा रहे हैं, और ये हमारे प्रमादर 501 रुपया का पुरस्कार जिला पंचायत सदस्य, दुनिया इधर उधर गया लेकिन हमारे मोहम्मद अली भाई साहब सपा का दामन शुरू से आखिरी तक थामे रहे और थामे रहेंगे।
500 रुपया नमस्कार प्रदान हुआ है। हम ऐसे नौजवान साथी का हार्दिक नमस्कार करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा समाज भी आपका साथ देगा और हम भी साथ हैं आपके। और हमारे पप्पू प्रधान के भतीजे साहब लाइट टेंट हाउस की तरफ से कई रुपया नमस्कार है, कहना है अरे इस झंडे में झलक रहे हैं, इस झंडे में झलक रहा ये उत्तर प्रदेश, अरे वक्त आएगा इसे संभाला है भैया अखिलेश, अरे इससे चोर हुआ जो समय का सही अपने घर के अनुसार मैंने 9:35 से विवाह का कार्यक्रम चला और हम जब आप लोग इशारा करें कि हम दोनों गायक कोशिश करेंगे समय ज्यादा ना हो भाई चाहिए गोला यो गोली बम दुश्मन किसका हुआ यदि ओ
और ज्ञान का सीखो जरा मीर मिला लो जी से बुरी चीज तुमसे कोई बात पर नहीं कहो।